जी नमस्कार, मैं आज सेकंड पेपर का एक अभ्यर्थी है जो कि पूरा क्वेश्चन बताएंगे और क्वेश्चन कहां से आ रहा है वो भी बताएंगे। तो सर यहां पे हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मनीष शंकर यादव। कहां से हैं सर? दरभंगा से हैं। दरभंगा से हैं। सेंटर कहां चूज किए थे? सेंटर मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर में मिल भी गया आप? जी मुजफ्फरपुर में मिल भी गया। आप बता दीजिए कि अब आपका तैयारी कैसा रहा? मेरा तैयारी बहुत अच्छा था और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है। और सेकंड पेपर का जो है, एक मिनट सर मैं आपको रोकना चाहूँगा कि आपका जब सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो आसान गया है कि फर्स्ट गया? पेपर आपको इजी टू मॉडरेट उसको कह सकते हैं। अच्छा सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर जो आप दिए हैं इसमें आपको कैसा फील हुआ है? अच्छा नॉर्मल था या हार्डली था? ये आपको सेकंड पेपर नॉर्मल ही था। अच्छा, इसको आप इजी बोल सकते हैं। ये इजी बेस में ही आया था। अच्छा, जो मॉडरेट सब्जेक्ट का होता है जिसमें आप तीन सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, दो सब्जेक्ट तो सोशल साइंस से आ जाता है 60 नंबर का, तो 60 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया था सो बता दीजिए हमारे दर्शक। ठीक है, सोशल साइंस में जो आपको पानीपत का लड़ाई आया था जो 1526 है, चंदेल का भी आया था, जो आपको खानमा का भी 27 आया था, चंदेल 28 आया था। और सोशल साइंस से जो आपको संविधान से भी क्वेश्चन लिया गया था, जो लोकसभा का जो है लोकसभा का सदन में, जैसे राज्यसभा हो गया, उसके बाद लोकसभा हो गया, और उसके बाद ये आपको राष्ट्रपति जी आ गए, यानी अच्छा। तीनों सांसद के तहत लिए हुए थे। अच्छा, CDP में कहाँ कहाँ से था वो भी बता दीजिए। CDP में जो है जीन पियाजे से था, बाइगोस्की से था, उसके बाद हावर गार्डनर से था क्वेश्चन, कोलबर्ग से था, नैतिक विकास का चौथा चरण के बारे में पूछे हुआ था। अब और बता दीजिए आपकी हिंदी का पेडागोजी किस टाइप से था? हिंदी पेडागोजी बहुत अच्छा था और उसका कंटेंट भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा, और संस्कृत का भी पेडागोजी बहुत ही अच्छा पूछे हुआ था, जो आपको उसको इजी बोल सकते हैं। अच्छा, इस वजह से क्वेश्चन आया था। संस्कृत का पैसेज आपका सही हुआ है क्या? जी संस्कृत का पैसेज मेरा सही हुआ है। कितना नंबर आ जाएगा इस बार? इस बार जो है फर्स्ट पेपर का तो 100-110 के बीच रहेगा। कहाँ से तैयारी किए थे आप? हम दरभंगा सार्थक CT8 कला से दरभंगा। अच्छा, सार्थक वाले सर जो हैं, एक पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, इंजीनियर तो, भारती सर हैं। अच्छा, उन्हीं के पास हम बैच किए थे, ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए थे और उन्हीं के पास हम पढ़े थे। अच्छा अच्छा, सार्थक क्लास का हमने भी वीडियो देखा है, बहुत अच्छा है। और मैं सर का कोई प्रमोटर नहीं हूँ, लेकिन सर का वीडियो एक बार हमने भी वॉच किया था तो बहुत अच्छा लगा। और सर वहीं से तैयार किए हैं तो आपका 120 के लगभग आ जाएगा। जी 120 के लगभग आ जाएगा। सेकंड पेपर बहुत ही अच्छा। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमको लगता है कि वहीं आपको याद करवा देते हैं। जी इस तरह से हमको सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं जो घर पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता कॉपी छूने की। सर बहुत अच्छा से जो है पढ़ाते हैं और एक एक क्रिस्टल क्लियर करके बता। अच्छा, कहीं ऑनलाइन क्लास भी किए थे क्या? जी नहीं, ऑनलाइन क्लास नहीं किए थे। मेरे सर खुद ऑनलाइन भी क्लास देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं, तो हम लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन किए थे। अब आगे जहाँ से भी प्रॉब्लम होता था सर का वीडियो देख लेते थे। चलिए, तो आपने देख लिया। और जो आने वाला एग्जाम है अभ्यर्थी को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थी को यह, जो अपना प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस देखते रहे, उसको NCERT से कुछ नया क्वेश्चन 4-5 आ रहा है, उसके लिए घबराना नहीं है। 4-5 को क्वेश्चन है, 2-3 उसमें बन ही जाता है, कोई मॉडरेट क्वेश्चन नहीं रहता है। अब 2-4 नंबर के लिए आप फिर से नया कोई ये तैयारी कीजिए, पूरा GK उठाइए, तो इसके लिए आपको पीछे का छूट जाएगा। इससे अच्छा है कि 2-4 नंबर को आप साइड करके ही चलिए। चलिए, तो एक भाई मिला और यह बहुत अच्छा इनका तैयारी था। और आपने देख लिया कि पूरे पेपर का एनालिसिस किया। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट खबर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।